Hi guys, this video is very important for all the MH Law CET 5 years 2024 aspirant, because in this video I will give the planner, 280 days ka planner I will be giving you. If you are starting your preparation from July onwards, तो complete study planner और strategy भी मैं देने वाला हूँ, ठीक है? तो भाई जितने भी बच्चे JLC target कर रहे हैं, IELTS, इनफैक्ट आपका target यही दो कॉलेज होना चाहिए. उसके बाद स्कोर कम आया तो आपके पास ऑप्शन ही क्या है, तो फिर अपने को कॉलेज जाना ही पड़ेगा. देन यू टू गो फॉर अदर कॉलेजेस अगर अपना सीईटी में स्कोर कम आता है तो, ठीक है? तो अगर आप 12th बोर्ड के साथ सीईटी प्रिपेयर कर रहे हो, या तो आपका 12th बोर्ड हो गया है और आप सिर्फ सीईटी एंड अदर लॉ एंट्रेंस टारगेट कर रहे हो, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को जितने लोग MH Law CET 5 years 24 टारगेट करने वाले हैं. आई एम राइटिंग सीईटी सिंस लास्ट 7 ईयर्स, 7 साल से मैं सीईटी लिख रहा हूँ. तो क्या सीईटी के अंदर चेंजेस होते हैं, What types of the question comes, क्या क्या बच्चों को प्रॉब्लम होती है, किस सेक्शन में स्कोर नहीं बनता, एवरीथिंग आई विल टॉक, ओके? एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग. ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, दो चार बार रिवाइंड करके देख लेना, और ये वीडियो शेयर भी कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, ठीक है? सो बिफोर आई स्टार्ट, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन मेन्यूअर, देन वी हैव अ क्लासरूम कोचिंग इन मुंबई, दादर, बोरीवली, वसई एंड थाने. सो एनी ऑफ द सेंटर यू कैन विजिट, आर टीम विल हेल्प यू विद रिगार्ड्स टू दी सीईटी प्रिपरेशन. सो सीईटी 3 years 5 years प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप क्लैट प्रिपेयर कर रहे हो, एलेट, स्लैट और एनी अदर एंट्रेंसेस, ठीक है? लाइव क्लासेस अगर आप मुंबई में नहीं हो तो ये नंबर पर कॉल करके यू कैन चेक इट आउट. वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव लॉन्च सेपरेट चैनल जहाँ पे आपको लॉ स्पेसिफिक वीडियोज मिलेंगे, मैनुअल लॉ एंट्रेंस, ठीक है? इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. 2024 एंड 2025 को लेकर मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ इस चैनल पर, सो काइंडली गो एंड सब्सक्राइब. बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. ऑलराइट, सो बिफोर वी प्रोसीड, थोड़ा सा फैक्ट समझ लेते हैं कंपटीशन को लेके. ये नंबर देख के डरना नहीं है अपने को, सिर्फ अपने को फैक्ट समझना है. 25,000 से ज़्यादा लोग एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हैं, लिखते कम है. कभी कभी ये नंबर 30,000, समटाइम 40,000 भी गया हुआ है, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, बट काफ़ी लोग एग्ज़ाम नहीं लिखते हैं. तो हाँ, आपका कॉम्पिटिशन 25,000 के आसपास लोगों से है, ये लोग एग्ज़ाम लिखते हैं. दीज आर द एप्लीकेंट जो एक्चुअली में पार्टिसिपेट करते हैं, बट सीरियस कैंडिडेट अगर आप मेरे से बोलोगे तो 10,000 के आसपास सीरियस है, इनफैक्ट इससे भी कम, 10,000 से लेकर 8 to 10,000 रफली आप बोल सकते हो, जो एक्चुअली में GLC IELTS की रेस में चल रहे हैं. बट GLC IELTS की सीट्स लिमिटेड है, तो अगर अपने को कॉलेज चाहिए तो भाई इस कॉम्पिटिशन से आउट होके 130 प्लस आउट ऑफ 150 या तो मैं सीटी में टॉप मारूंगा, ये मेरा टारगेट होना चाहिए. 120 तो मैं हर बार बोलता हूँ मेरे हर वीडियो में, 20 प्लस, बट अपन स्कोर थोड़ा सा हाई लेके चलते हैं, और ये पॉसिबल है अगर आप जो जो मैं बताऊँगा आगे वो फॉलो करते हो तो. अभी आते हैं कि बेसिक क्या क्या काम आपको आज से चालू कर देना है. जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो भाई, आज से ये वीडियो चालू कर दो देखना, ठीक है? आज से पढ़ाई करना चालू कर दो, ठीक है? अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो. न्यूज़पेपर रीडिंग, सर क्या बात कर रहे हो, सिलेबस खबर नहीं हो रहा है, सिलेबस पढ़ के नहीं हो रहा, न्यूज़पेपर पढ़ने की बात आप कर रहे हो? हाँ बेटा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप अच्छे रीडर नहीं हो, यू कान बी अ गुड लीडर ऑल्सो. और लॉ फील्ड में जा रहे हो यार आप, तो आपकी रीडिंग पे तो आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? इंग्लिश मीडियम आप हो, चाहे वर्नाकुलर मीडियम हो, चाहे मराठी, गुजराती, जो भी मीडियम हो आप, अपने को न्यूज़पेपर पढ़ना है. इंडियन एक्सप्रेस आई वुड रिकमेंड, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, बहुत हो गया, बिकॉज इंग्लिश का लेवल ईजी टू मॉडरेट के रेंज में होता है. 5 years सीटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? बट हाँ, अगर क्लैट लिख रहे हो तो बॉस आप द हिंदू पे शिफ्ट हो जाओ, बिकॉज क्लैट का जो इंग्लिश का लेवल है दैट इज द हाइएस्ट लेवल, ओके? तो हाँ, इंडियन एक्सप्रेस में पेज 1, जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा, करंट अफेयर्स अपना अपडेट हो रहा है, एंड एडिटोरियल पेज. स्क्वायर, टेबल एंड क्यूब और फ्रैक्शन, ये आपको स्पीड मैथ्स का वीडियो मैनुअल के डैशबोर्ड पे लॉगिन करो. अगर आप मैनुअल के स्टूडेंट हो तो आपको वीडियो लेक्चर का एक्सेस, 400 प्लस वीडियो का एक्सेस मिला होगा. काइंडली गो एंड वॉच ऑल दिस वीडियोस. स्पीड मैथ्स, परसेंटेज एंड सिंप्लीफिकेशन, ये तीन टॉपिक, आई रिपीट, स्पीड मैथ्स, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, इसका चार्ट प्रिपेयर करो एंड स्टिक ऑन द वॉल वेर यू स्टडी. आई वॉन्ट 1 to 2 महीने में अपने को याद हो जाएगा. और हाँ, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे. तो अपने को करना क्या है, राइट इट ऑन पीस ऑफ पेपर एंड स्टिक ऑन द वॉल वेर यू स्टडी, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, सब, ठीक है? सुबह चाय कॉफ़ी के साथ गो थ्रू करना है इस सारे डेटा, एंड शाम को बिफोर यू गो ऑन द बेड गो थ्रू करना है. 10 मिनट ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है? सो आफ्टर फ्यू डेज यू विल रियलाइज कि हाँ, काफ़ी डेटा मुझे याद हो गया है. बेसिक अरेंजमेंट, ग्रामर, वर्ड पावर मेड इजी ले लेना वो कैब की, दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर द वो कैब, और आपको करना ही पड़ेगा वो कैब. और वो कैब इसलिए मत करना कि एंट्रेंस निकालना है, हाँ वो तो करना ही है, आगे करियर में भी काम आएगा. पैसेज सॉल्विंग ऑल्टरनेट डे कर लो, वीक में 3 hours ही सॉल्व कर लो यार. और हाँ, ईजी वाले क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं आते, तो इतना लोड नहीं लेना है. 20 hours per week
अपने पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, जितने लोग के अंदर ये खुशी है कि यार अपने पास तो काफ़ी टाइम बचा है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 महीना बचा हुआ है बॉस, 10 महीना नहीं बचा हुआ है, ठीक है। लेट मी टेल यू द फैक्ट, ये जो टाइम है ये आपके लिए है ही नहीं। यहाँ पे अगर आप 12th बोर्ड प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे बोर्ड का प्रेशर आना चालू होगा, ठीक है। फरवरी में बोर्ड चालू होता है, मार्च तक जाता है कुछ लोग का ऊपर, तो थोड़ा कुछ लोग के लिए स्टेट वाइज वेरी भी करता है, बट हाँ फेब मार्च आइडियली बोर्ड के लिए आपका। तो अप्रैल में अपना एग्ज़ाम है, थोड़ा दिन अप्रैल का मिलेगा, थोड़ा दिन जैन का मिलने वाला है, तो यहाँ मैं 4 महीने को मैं ये समझ रहा हूँ कि 30 डेज़ का टाइम मिलेगा। तो अपने पास जो एक्चुअल टाइम है पढ़ाई करने का वो है ये 6 महीने, ठीक है, 180 दिन, 280 नहीं है, ठीक है। तो थंबनेल देख के 280 दिन है यार आराम से पढ़ूंगा, नहीं, अपने पास 100 दिन तो निकाल ही दो, 180 दिन है और ये 30 डेज़, तो 200 के आसपास का दिन पकड़ लो पढ़ाई को लेकर के, ठीक है। तो बहुत ही रिग्रेसली मंथ वाइज प्लान लेना है और बहुत स्मूथली पढ़ाई करना है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अभी बोल रहा हूँ कि 20 आवर पर वीक देना है, मतलब अगर मैं मंडे टू फ्राइडे 2 घंटे भी पकड़ूँ, 2 से 3 घंटे, चलो 3 घंटे पकड़ते हैं तो कितना हो गया, 5 से 15 आवर्स, बाकी सैटरडे संडे मिला के 5 घंटे, तो 20 घंटे हो गए ना यार, मतलब इनफैक्ट आपके पास 25, इनफैक्ट आप वीकेंड में ज़्यादा टाइम दे पाओगे, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 20 घंटे पर वीक बहुत बड़ी डील नहीं है, और ये वो टाइम है जो आप अपने साथ स्पेंड करो। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया, आपने मेनोवर का लाइव क्लास क्लासरूम ज्वाइन किया, वो टाइम अलग कर दो, वो तो लेक्चर का टाइम है भाई, वहाँ आप सीखने जा रहे हो, ये वो टाइम है जहाँ आप खुद के साथ बैठ रहे हो पढ़ाई करने के लिए। आई वॉन्ट दिस टाइम, ठीक है। सो आई वॉन्ट जितने भी लोग मेनोवर ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आपने क्लासरूम लिया है चाहे आपने ऑनलाइन लाइव क्लास, सबका सिलेक्शन GLC IELTS में हो, या तो आप एनालिस्ट कोई टारगेट कर रहे हो तो क्लैट के थ्रू, ओके, या तो फिर सिम्बायोसिस थ्रू स्लैट, लाइकवाइज अदर टॉप लॉ कॉलेजेस। ये है CET का आपका पैटर्न, 150 क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व करने हैं, एग्ज़ाम ऑनलाइन है, इंग्लिश मराठी, ठीक है, मीडियम, एंड 10 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन इंग्लिश, 40 लॉजिक, 30 GK, 40 लीगल। सो 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भाई फोड़ के अपने को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस। देखो मैथमेटिक्स 10 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है सर, मैथमेटिक्स मैं छोड़ देता हूँ, डंडे पड़ेंगे, मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। इफ़ यू आर अ मैन्युअल स्टूडेंट तो मैं आपको वही सजेशन दूंगा जो आपके लिए बिल्कुल सही है, नंबर वन। नंबर टू, आई हैव अपीयर्ड फॉर मेनी एंट्रेंसेस, मैंने खुद ने भी बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं, तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई विल बी गाइडिंग यू। देर आर मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट इन द मार्केट जिन्होंने एग्जाम लिखा ही नहीं है, कोई क्रैक भी नहीं किया एग्जाम, दे डोंट हैव एक्सपीरियंस, बस दे आर जस्ट टीचिंग यू द सिलेबस, दैट्स ऑल, ठीक है। तो मेरा टारगेट हमेशा यह था कि GLC IELTS के नीचे तो मुझे सोचना ही नहीं है, ठीक है। फॉर दिस वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम आवर साइड टेक इट, बट हार्डवर्क मेहनत आपको करनी है। सो मैथ्स में कुछ छोड़ना नहीं है यार, अरिथमेटिक, ये देखो अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, इसमें भी आगे मैं सिलेबस बताऊंगा कि क्या क्या करना है अपने को, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, ठीक है। ये मैथमेटिक्स हो गया, आराम से 8+ क्वेश्चन आप राइट करके आओगे, अगर आपने अच्छी मेहनत की तो 10 आउट ऑफ 10 भी आप मार सकते हो, ठीक है। लॉजिक, ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, मतलब यहाँ पे तो यू विल बी गेटिंग भर भर के शॉर्टकट फ्रॉम मेन्यूअर, ट्रेडिशनल लॉजिक को लेकर के, वर्बल क्रिटिकल को लेकर एंड एनालिटिकल को लेकर के। सो हाँ, टाइप्स पता होना बहुत जरूरी है क्वेश्चन का, दिस इज व्हाट द गेम चेंजर। यार लॉजिक का सिलेबस पढ़ लेने से लॉजिक निकलता तो क्या ही बात थी, टाइप्स कवर करना जरूरी है। तीसरा है आपका, आफ्टर देन कम्स इंग्लिश। देखो इंग्लिश में यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज होता है वो पप्पू लेवल का आता है, तो टेंशन नहीं लेना है, बट हाँ आपको ऐसा नहीं है कि फिर प्रिपेयर नहीं करना, प्रैक्टिस नहीं करना, अपने को वो करना है। वो कैप पे काम करने के लिए मैंने वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मल लिविस की बता दी है, प्लीज़ गो थ्रू दिस बुक, स्टार्ट कर दो जुलाई से, 2.5 महीने में बुक कवर हो जाएगी, जुलाई अगस्त सितंबर तक ये बुक करके ले लोगे आप, बाद में रिविजन कर लेना, ठीक है। ये आपको आगे जॉब पे, प्रोफेशनल लाइफ में, कॉर्पोरेट में जाओगे वहाँ पे भी काम आएगा। ग्रामर को लेके मैनुअल के डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, वॉच ऑल द वीडियोस एंड हैंडआउट्स, मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है इसको। सो इफ यू आर मैनुअल स्टूडेंट, जुलाई ऑनवर्ड्स हमारी अभी रिसेंटली बैच चालू हो रही है, वो ज्वाइन किया आपने, देन आई विल बी शॉर्टली मीटिंग यू एट द सेंटर एंड द लाइव क्लास ऑल्सो, वहाँ पे भी मैं गाइड कर दूंगा आपको, एंड इन पर्सन यू कैन टॉक टू मी, यू कैन आस्क ऑल योर डाउट एंड क्वेश्चन, बट आई वॉन्ट आपके अंदर भी उतनी मेहनत और हंगर होना चाहिए कॉलेज को लेके, CET की प्रिपरेशन को लेके। बाकी वर्बल एबिलिटी आपका, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, पैराग्राफ जंबल हो गया, रिडक्शन हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, ऑल दिस टॉपिक, ठीक है। आफ्टर देन कम्स लीगल। लीगल में लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग या GK बोल लो यार,
तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, दिस विल बी टेकन केयर बाय लॉयर एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन आए हुए एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन योर मॉक टेस्ट और आपके टीचिंग करिकुलम में. ओके लास्टली जीके, जीके में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एवरीथिंग विल बी गाइडेड टू यू. बट जीके आर वास्ट है, इट इज़ वेरी वास्ट, तो अपने को मेहनत करनी पड़ेगी. इसलिए स्टैटिक जीके पे ज़्यादा मेहनत अभी से करो, उसके बाद करंट अफेयर्स, एक साल का करंट अफेयर्स सेफर साइड के लिए. तो ये तो हो गया सारे सेक्शन की बात. अब आपको मंथ वाइज क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड आपके सारे फ्रेंड लोग को शेयर कर दो एंड टेल देम कि भाई ये सारे टॉपिक ये महीने में करना है. जुलाई अगस्त मंथ का महीना चल रहा है, दो महीने हैं अपने पास, 60 डेज में मुझे ये सारे टॉपिक कवर करने हैं. आपके मैन्युअल के लेक्चर्स में भी विल बी स्टार्टिंग विद ऑल दिस टॉपिक. ठीक है, स्टार्टिंग जीके एंड करंट अफेयर्स के कॉन्टेंट तो आपके डैशबोर्ड पे पड़े हुए यार, चालू कर दो, लेट नहीं करना. तो लॉजिक में ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर. इंग्लिश में न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने बताया वो चालू करना है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज की प्रैक्टिस, वर्ड पावर मेड इजी एंड ग्रामर है, ये आपका फाउंडेशन है बेसिकली, दिस इज योर फाउंडेशन फॉर इंग्लिश एंड आई वॉन्ट आप इंग्लिश में अच्छा करो और होगा. ठीक है, मेरा टेंशन सिर्फ एक ही है जीके, सो आई वॉन्ट कि आप जीके डे वन से चालू कर दो. बहुत लोग का डर या तो दर्द बोल लो मैथ्स है, वो मैं सॉल्व कर दूंगा, उसकी दवा है मेरे पास. ठीक है, बट इंग्लिश एंड जीके इट इज़ डिफिकल्ट, मतलब इसको डे वन से ही आप चालू कर दोगे तो बेटर है. बिकॉज इंग्लिश अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं आपको ट्रिक्स टैक्टिक्स बता दूंगा, बट आपको पैराग्राफ पढ़ के समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या करोगे, राइट? वो क्या पता है तो पता है, तो कांट हेल्प, राइट? तो जीके में सारे वीडियोज़ और हैंडआउट्स, स्टैटिक जीके को लेकर पहले आप वीडियो देखना, फिर आप हैंडआउट्स गो थ्रू करना स्टैटिक जीके. इंग्लिश मैंने बता दिया, न्यूज़पेपर, वर्ड पावर मेडिसिन, ग्रामर पे काम करना चालू कर दो, आपके डैशबोर्ड पे सारे वीडियोज़ हैं ग्रामर के. ठीक है, तो ये टॉपिक आपको कवर करना है अगस्त मंथ तक, 60 डेज. अब आता है सितंबर एंड अक्टूबर, यहाँ पे मैं बोलूँगा मॉक लिखना चालू कर दो. आपके मेनूवर्क पे 20 मॉक टेस्ट दिस ईयर वी विल बी लॉन्चिंग, लास्ट ईयर इट वॉज 10, बट इस साल हम लोग मॉक बढ़ाएंगे. ठीक है, वन मॉक पर मंथ, तो एक मॉक सितंबर, एक मॉक अक्टूबर. अरिथमेटिक मैथ्स के ये सारे टॉपिक कवर करने हैं. ठीक है, करंट अफेयर्स अक्टूबर तक कवर करना है, दो महीने का टाइम है 60 डेज का. तो पर वीक अगर आपने एक महीना भी लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो भी आपके पास 1 वीक बच जाएगा. 8 वीक है दो महीने में, 7 मंथ का करंट अफेयर्स करना है. इंग्लिश के पूरे सिलेबस कवर करके ख़त्म करने, मतलब अक्टूबर तक आपने इंग्लिश ख़त्म कर दिया, स्टैटिक जीके पे काफ़ी डिसेंट लेवल पे काम कर लिया, मैथ्स का अरिथमेटिक कवर हो गया और लॉजिक तो आपने ट्रेडिशनल कर ही लिया है. ठीक है, उसके बाद आता है आपका नवंबर एंड दिसंबर, और आप एक एक मॉक लिख भी रहे हो सितंबर अक्टूबर में. नवंबर दिसंबर में अपने को 4 मॉक पर मंथ लिखना है गाइस, तो यहाँ पे 4 मॉक, मतलब बाय द दिसंबर मंथ 10 मॉक अपने लिख के कवर हो जाएंगे. एनालिटिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग वाले जो सारे टॉपिक है ये प्रैक्टिस करनी है, बाकी आपका मैथ्स के जो ये सारे टॉपिक है लीगल, मतलब दिसंबर तक सिलेबस ख़त्म. ठीक है, बाकी आपके मॉक अभी बचे होंगे, बाकी और भी टेस्ट सीरीज रिविज़न ये सब चीज़ों पर काम करना है, आई नो, वो काम हम करेंगे जैन से लेके अप्रैल मंथ, जो आपको रफली 30 डेज में पकड़ के चल रहा हूँ कि मिलेगा, 30 डेज से 40 डेज का टाइम, ये चार अगर ज़्यादा टाइम मिला तो वेल एंड गुड. सारे मॉक खत्म करने हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक सेक्शन पे काम करना है, रिवीजन करना है, मॉक लिखना है, एनालिसिस ऑफ द मॉक, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे. ठीक है, बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद आप आओगे तो आपको अप्रैल में थोड़ा टाइम मिलेगा, नो डाउट, तो वो टाइम हम ये सब चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे. बाकी करंट अफेयर्स भाई जनवरी मंथ से ये मंथ का करंट अफेयर्स, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च तक का करना है. अप्रैल में अपना एग्जाम है तो अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स नहीं आएगा, डोंट नीड टू वरी. मार्च मंथ का करंट अफेयर्स अपने को कवर करना है. ये मैंने कंप्लीट प्लानर दिया हुआ, ये प्लानर बनाने में मुझे 2 घंटे लगे हुए हैं यार, मतलब एक एक चीज़ मैंने समझी हुई है, सिलेबस भी मैंने बता दिया आपको और मेरे एनालिसिस के वीडियोज़ भी अवेलेबल है. एंड यू कैन मीट मी इन द क्लासरूम एंड लाइव क्लास ऑल्सो, यू कैन टॉक टू मी, प्रोवाइडेड आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, सो वी आर देयर विथ यू. ठीक है, टारगेट वापस से GLC एंड ILS, या तो फिर टॉपर बनूंगा मैं CET का. ओके, और ये लिख के आप जहाँ पे भी पढ़ते हो, स्टिक ऑन द वॉल वेरी स्टडी, 130 प्लस का टारगेट आउट ऑफ 150, या तो मैं CET में टॉप मारूंगा, GLC ILS इसके नीचे मेरा टारगेट है ही नहीं. एंड एट मेन्यूअर, चाहे आपने लाइव क्लास है तो क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ, स्टेप वाइज प्रिपरेशन वीडियो, स्टेप 1 वीडियो लेक्चर पहले देख के आना है, फिर आपको लाइव क्लास क्लासरूम जो भी आपने ज्वाइन किया, दिस इज द स्टेप 2. स्टेप 3, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, हर टॉपिक में 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 से 3 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एक बार से नहीं होगा गाइस, 2 बार कम से कम, मैक्सिमम 3 टाइम्स, एंड टॉपिक टेस्ट. ऑलराइट, सो विथ रिगार्ड्स टू द प्रिपरेशन यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. लेट्स क्रैक CET 2024 विद द गुड स्कोर.
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।